अस्सलाम वालेकुम। आज का ये हमारा ट्यूटोरियल इंसर्ट टैब के बारे में है। तो इसको सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप मेरा इससे पहले वाला ट्यूटोरियल होम के बारे में जो मैंने बनाया हुआ है आप वो उसको लाजमी देखें और समझें, उसके बाद इंसर्ट पे आए। चलिए आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ते हैं। इसकी आज पहले मिनी टैब है पेजेस। तो इस में ऑप्शन है कवर पेजेस। कवर पेजेस से मतलब यह है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी पेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइटल का पेज लगा लिया हमने, ठीक है। इस तरह आप अपनी मर्जी से कोई भी पेज कवर पेज लगा सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है रिमूव कवर पेज, अगर आपने इसको रिमूव करना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद आप ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज से मतलब यह है कि कोई भी आप खाली पेज ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा तो आप और यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी मिनी टैब है टेबल, यहाँ से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल पे जाइए, नंबर ऑफ कॉलम्स 6, नंबर ऑफ रोज 2 है, हम यहाँ पे 8 कर लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि जो टेबल आपने 6 कॉलम और 8 रो है इसको कमांड दी थी, तो इसने उसी के मुताबिक टेबल ड्रा किया है। इस तरह टेबल में भी डिज़ाइन और लेआउट इसके जो है वो टैब्स हैं। इसके बारे में आप अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में मज़ीद मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। उसके बाद जो टैब है हमारे पास इलस्ट्रेशन का, ठीक है, इसमें पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट चार्ट और स्क्रीन शॉट। पिक्चर से मेरा यह है कि आप MS Word में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। द डिवाइस ऑनलाइन पिक्चर, जिस डिवाइस से मतलब यह है कि आपके PC में पिक्चर तस्वीरें बनी हैं आप वहाँ से कोई भी एक पिक्चर उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शेप, शेप्स में ये होता है कि आपने कोई भी शेप ड्रा करनी हो, रेक्टेंगुलर करनी हो, सर्कल करनी हो कोई भी, ठीक है, ट्रायंगल करनी हो, जो भी शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स, ठीक है, आइकन्स जो कि एक नेटवर्क सिस्टम है ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स अगर आपके PC में पड़े हुए तो आप यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट आर्ट और चार्ट, पाई चार्ट है, बार चार्ट, एरियाज, जैसा भी आप कॉलम चार्ट वो आप यहाँ से आसानी से इसको ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन शॉट है, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और इसका स्क्रीन शॉट को ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनी टैब है लिंक्स, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी वेब के लिहाज से कोई भी लिंक जो है वो आप MS Word में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे बुक मार्क है, आप यहाँ पे भी कोई भी बुक मार्क का कोई भी ऑप्शन आप MS Word में ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस मतलब ये है कि हेडिंग्स, फिगर और टेबल वगैरह जो है वो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नेक्स्ट टैब है कमेंट्स, अगर आप इसमें कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा हेडिंग है टैब है वो हेडर एंड फुटर है। हेडर से मतलब यह है कि आपके पेज के स्टार्टिंग में कोई भी आप हेडर दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप पेज के फ्रंट पे कोई भी हेडर, कोई भी टाइटल वगैरह आप दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो फुटर है वो फुटर का है, ठीक है, आप जो है वो पेज के बॉटम पे कोई भी फुटर दे सकते हैं, जैसा कि ये आपको टैब शो हो रही है मिनी टैब, यहाँ से आप कोई भी मिनी टैब जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ये टैब्स नीचे शो हो रही हैं, आप यहाँ पे कोई भी 3 नाम वो फुटर में लिख सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर, पेज नंबर से मिला जाए कि आप किसी भी पेज के ऊपर नंबरिंग दे सकते हैं। इस तरह लिखा हुआ टॉप ऑफ पेज, आप पेज के टॉप पे नंबर दे सकते हैं। उसके भी आगे टैब है, ठीक है, राइट साइड पे, मिड में, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। उसके बाद है बॉटम ऑफ पेज, आप पेज के बॉटम में भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। पेज मर्ज भी यहाँ से इसका साइड पे भी नंबरिंग आपने देखा होगा कि वो भी यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह करंट पोजीशन वगैरह, फिर फॉर्मेट, अगर जो आपने लिखा है वो फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। रिमूव पेज नंबर, तो जो अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, अपडेट,
नॉलेज, एफिशिएंट, ठीक है। ये हमने 3 4 वर्ड जो है वो टाइप किए। ये यूट्यूब चैनल का नाम भी है, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। उसके बाद इसके भी बेशुमार जो है वो यहाँ पे टेप्स ओपन हो गई हैं। इसके बारे में मज़ीद अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है क्विक पॉट्स से बनाया जाए कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना वो वर्ड आउट है। वर्ड आउट के मतलब ये है कि आप अपनी राइटिंग को जो है ना वो जो लिखा हुआ है आपने उसको चेंज कर सकते हैं। जिसको भी आपने चेंज करना सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपने नॉलेज ऑफिशियल को सेलेक्ट किया है, उसके बाद वर्ड आउट पे जाएंगे। यहाँ से आप इसको अपनी आसानी से कोई भी वर्ड आउट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शो हो रहा है, यहाँ से इसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एक टेक्स्ट टेबल में बना हुआ था तो हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो इसलिए ये अलग नीचे लिखा हुआ आ गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है सिग्नेचर लाइन। आप यहाँ से कोई भी सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं, उसके नीचे ऐड डेट एंड टाइम्स। आप यहाँ से एमएस वर्ड में डेट एंड टाइम्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम्स, यहाँ से आप अपनी मर्जी से टाइम स्टाइल जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुराद जो है वो आप कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो एक्सेल की फाइल्स होती हैं, एमएस एक्सेल को चार्ट वगैरह बना होता है, वो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास सैम्पल्स का ऑप्शन है, जिसमें इक्वेशन है और सैम्पल्स हैं। यहाँ से आप आसानी से इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक टैब ओपन हुई है जिसमें से आप फ्रैक्शंस ऐड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, रेडिकल्स की बेशुमार इक्वेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट्स, लार्ज ऑपरेटर्स, फंक्शंस, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, एसेंट्स, लिमिट एंड लॉग, एंटी लॉग वगैरह आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर है, मैट्रिक्स, ये ज़्यादातर असाइनमेंट्स बनाने के लिए, मैथ के असाइनमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से सैम्पल्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सैम्पल्स का। आप यहाँ से सैम्पल्स अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सैम्पल्स चाहिए तो आप यहाँ से मोर सैम्पल्स पे क्लिक करके अपनी मर्जी से वो भी यहाँ से एक सैम्पल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कितने सैम्पल्स हैं, आप यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा ट्यूटोरियल इंसर्ट के बारे में। तो इसको समझने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आप मेरा जो पहला ट्यूटोरियल होम के बारे में वो समझें, उसके बाद इंसर्ट टैब पे आए, तब जाके आपको ये समझ आएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होगा डिज़ाइन के बारे में, उसके बाद लेआउट के बारे में, ठीक है। इस तरह मज़ीद ट्यूटोरियल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।